जय श्री कृष्ण कैसे हैं आप क्या कहा बहुत अच्छे बहुत खुशी की बात है और खुशी की बात को लेते हुए श्रीमदोगी गीता पर ध्यान करें आया प्रतिबोधिता भगवता नारायण न स्वय व्यासे नथिता पुराण मुनिना मध्यमा भारत अद्वैताम्रतवर्षिणी भगवती अष्टादाध्यायी अंब गीत भगवदी गीता माता की जय जयकार है और श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय 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 करने के साथ साथ में जो विजय का भाव है वो श्रीमद भगवद गीता के साथ कैसे जुड़ा हुआ है ये बात बताई जाती है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुआ नीतिर मतिर मम तो जहा योगेश्वर कृष्ण है और पार्थ सारथी के साथ साथ पार्थ है ये तो पार्थो धनु वो जो धनुर्धारी पार्थ हैं वो हैं तत्र श्री विजयो भूतिर वहां पर लक्ष्मी है वहां पर विजय है धुआनी ये अटल सत्य है ये एकदम पक्की बात है तो दोनों हमारे भीतर है लेकिन वो जागृत होंगे तब ये पक्की बात सिद्ध होगी सार्थक होगी और आज के जो नवे और दसवें श्लोक की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो अगर कलात्मक ढंग से जो महाभारत जिसमें ये मंजूषा की तरह श्रीमद भगवत गीता है उसमें क्या लिटरेरी वैल्यू है कौन सा नरेटिव कहाँ कैसे हो रहा है उस पर भी अलग से ध्यान देने का एक अलग रस आता है तो अर्जुन बोले थे अभी ग्यारहवें अध्याय में फिर श्री कृष्ण चंद्र भगवान बोले थे अब उन दोनों के संवाद के बारे में ये जो पूरा प्रसंग है जो कि धृतराष्ट्र जो कि जो कि कौरवों के पिता है उनको ये दिव्य दृष्टि वेद जी ने संजय को दी है कि वहां का आंखों देखा सुना देना वो दिव्य दृष्टि अगर डायरेक्ट धृतराज जी को दे देते जो कि उन्होंने ली नहीं एक्चुअली क्योंकि वो नहीं देखना चाहते थे ऐसे ऐसे दृश्य पर जानना तो चाहते थे तो संजय उनके पास बैठकर सुना सके इसलिए वो आंखों देखा सुनाने वाले प्रथम जो माने जाए तो संजय जो है वो ऐसी दृष्टि और ऐसी सिद्धि पा गए कि न केवल घटना क्रम को वो देख पा रहे थे बल्कि जो पात्र हैं उस महाभारत के प्रसंग से जुड़े हुए चाहे श्री कृष्ण है चाहे अर्जुन है उनके मन में क्या चल रहा है विशेष करके अर्जुन के मन में कह वो भी संजय को यहाँ बैठे बैठे पता लग रहा है अनुमान नहीं है पता लग रहा है ऐसा संत बताते हैं तो अब जो है नवा श्लोक उसमें ये जो विराट स्वरूप या विश्व रूप दर्शन की बात पहले के दो श्लोकों में हमने भगवान से सुनी है पर वो स्वयं अपने बारे में बताएंगे तो आनंद नहीं आएगा ना तो लिटरेरी ढंग से एक ट्विस्ट कह दीजिए <laughs> नेरेशन में ऐसा हुआ है कि अभी जो नवे श्लोक से बात शुरू हो रही है तो संजय बता रहे हैं। चले संजय उच्च तथो राजेश्वरो हरि दर्शया मस दर्शयामास परम रूप मेश्वरम तो संजय दर्शन करके सुना रहे हैं तो कितनी और भी अद्भुत बात हो गई ना तो उन्होंने कहा कि हे राजन महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य दिव्य स्वरूप दिखलाया ऐसा कहकर का संदर्भ जो पिछला आठवां श्लोक था जिसमें भगवान को रियलाइज हुआ कि मैं इसको सब दिखा रहा हूं मतलब अर्जुन को मगर वो देख नहीं पा रहे इसलिए उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि उनको दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए तो जो आध्यात्मिक जागरण होता है हमारे जीवन में वो गुरु के द्वारा प्रदत्त दृष्टि से होता है तो अपनी पूर्णता का बोध हो जाता है दिख जाती है अपने अहंकार को लेकर नहीं दिख पाता है जो कि हमारा बौद्धिकता को प्रधान मानने वाला मैं ही सब करता हूं ऐसी सोच रखने वाला जो मन है वो मानता नहीं है मन है कि मानता नहीं है अब मन को मनाने के लिए मारा मारी नहीं करनी है प्रेम से मनाना है शनि शनि रुपरमे बुद्धा धृति ग्रही तया तो उसको धीरे धीरे मनाने का जो एक रस्म है प्रवाह है वो हमारे प्रति भगवान की कृपा से गीता माता धीरे 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 खोल रही है इस खुलने के क्रम में ये जो विश्व रूप दर्शन है वो भी हमें इतना विस्तार दिखा देता है कि उसके बाद में हमारे अहंकार के कहीं ठहरने की जगह रहती भी नहीं है क्योंकि उन्होंने ये बता दिया है कि जो दिव्य स्वरूप में क्या क्या है नाना प्रकार के जो हैं इस बात को लेकर आगे चलने से पहले उपनिषद में जो ये वाक्य आया है यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन शोश्रुते सर्वान कामान तो इसका अर्थ स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरिजी महाराज अंग्रेजी में करते हैं

उसने अपने हृदय काश में जो दर्शन ब्राह्मण के कर लिए तो उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो गई हीज ऑल हिज डिजायर फुलफिल्ड कितनी बड़ी अद्भुत बात है पर हम इसको मानेंगे नहीं <laughs> मतलब पहले तो हम उस अनुभूति तक जाने के बात आएगी तो हमें लगेगा तो अव्यावहारिक है अब इसमें दूसरा प्रसंग ये भी है कि जब डिजायर फुलफिल की बात आती है तो डिज़ायर ही नहीं रहेगी ना तो फुलफिल क्या रहेगी और वो दूसरी ढंग से देखा जब डिज़ायर नहीं रही तो फुलफिल होगी ना तभी वो डिज़ायर नहीं रहेगी और आप कहें कि नहीं मेरी अभी ये डिज़ायर है और बाद में ये डिज़ायर नहीं रहती है बिना पूरे हुए ही तो मैं वो नहीं चाहता हूं इसलिए क्या है कि मैं इसको पकड़ के रखना चाहता हूँ इसको का मतलब ये जो मैं है जिसके मन में ये कामना है और मैं उसको चिपका के रखना चाहता हूं तो मेरा वहां तक पहुंचना हो नहीं पाता है क्योंकि वहां तो रूपांतरण हो गया ऐसा मैं सोच रहा हूं गलत भी हो सकता है पर अगर हम इस तरह से लें जैसे यहां कहा गया है कि यदि जैसे उपनिषद कहते हैं कि जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार अपने हृदय आकाश में कर लिया है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं इसका मतलब वो पूर्णता को प्राप्त कर गया है तो संजय जी के साथ चलते हैं वापस वो दसवें श्लोक में भगवान का कौन सा रूप देखकर बता रहे हैं अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्या, दिव्या नेकोद्यता तो दसवें और ग्यारहवें दोनों श्लोकों के अर्थ एक साथ दिए मैं दोनों का हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ कल फिर से ग्यारहवें श्लोक लेंगे वैसे अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा तो मैं आपके साथ एक मतलब अंतरंगता से ये बात बांट लेता हूं बहुत बरस पहले जब ये ग्यारहवा अध्याय में बहुत जोर जोर से अकेला इंद्र भवन के कक्ष में मैं पढ़ रहा था और कभी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ते पढ़ते अर्थ की तरफ ध्यान देते देते अब क्या कहा, क्या जा रहा है उसके बारे में चिंतन तो अब वो स्थिति में मैं अभी नहीं हूं नारायण ऐसा के पर मैं अश्रुपात हुआ मुझे बहुत देर तक लेकिन उसमें क्या है कोई निरंतर आप ग्यारहवे अध्याय का पाठ करेंगे ना तो वो पूरा मतलब विश्वरू का दर्शन बता रहे है। और क्या बात है <laughs> तो हम ऐसे सौभाग्य के धनी है कि सब कुछ हमारे सामने खोल के रखा हुआ है चाबी भी दे रखी है अंदर प्रवेश करना है उसका अवकाश हमारे पास <laughs> नहीं है अब भी चलने का वक्त आ गया है सबका मंगल सबका कल्याण ओम पूर्ण मद पूर्ण मृदम पूर्णात् पूर्ण मुदचते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्ण मिलवा ओम शांति 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 जय श्री कृष्ण